परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम में आप एक पालक शिक्षक के रूप में सम्मिलित होकर एक बेहतरीन प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको mygovernment.in इस पोर्टल पर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे शो होगा पार्टिसिपेट नाउ का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आएगा पार्टिसिपेट नाउ, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चार प्रकार का लॉगिन शो होगा, तो आपको जाना है अंतिम दो ऑप्शन पे। यदि आप एक टीचर हैं तो आपको 14 टू सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आप एक पेरेंट हैं तो आपको पेरेंट सेक्शन पे जाकर के लॉगिन टू सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम लॉगिन टू सबमिट पर क्लिक करते हैं पेरेंट्स वाले सेक्शन पे। इसके बाद ये प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेने के पश्चात आपसे कहा जाएगा लॉगिन होने के लिए। तो यहाँ पर आपको, यदि आप इस पोर्टल पर पहले से पंजीकृत हैं तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का यूज़ करके लॉगिन हो जाना है OTP की सहायता से। और यदि आप पहली बार पंजीयन करना चाहते हैं फिर भी आपको यहीं पे लॉगिन होने के लिए क्लिक करना है। और इसके बाद आप आपके रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसे कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यदि आपका पंजीयन पहली बार हो रहा है तो आपके लिए कौन सा फॉर्म ओपन होगा। तो सबसे पहले मैं विदाउट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का यूज़ करता हूँ, लॉगिन विद OTP। तो इस प्रकार से आएगा, ओप्स यू आर नॉट येट रजिस्टर्ड, प्लीज़ फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको सिंपल अपना नेम, ईमेल, कंट्री, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट करके क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका पंजीयन इस पोर्टल पर हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का यूज़ करना है और फिर लॉगिन विद OTP पर क्लिक कर देना है। OTP हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हम चलिए 6 अंकों के जो OTP प्राप्त हुआ है इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के पश्चात पार्टिसिपेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, पार्टिसिपेट नाउ का ऑप्शन, इस तरह से प्रोसेसिंग लेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गया माता पिता के रूप में भाग लें। तो यहाँ पे आपको माता पिता नेम फिल करना है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, व्यवसाय, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, बच्चे के साथ रिलेशन, फिर अपने बच्चे का विवरण देना है जैसे कि चाइल्ड्स नेम, जेंडर, क्लास, स्कूल नेम, बोर्ड, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्टिविटी सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि थीम है, पालकों के लिए 3 थीम दिए गए हैं, जैसे कि पहला है मेरा बच्चा मेरा अध्यापक, दूसरा है प्रौढ़ शिक्षा सभी को साक्षर बनाएं, तीसरा है सीखना और एक साथ बढ़ना। तो इस प्रकार किसी भी एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लेना है और 1500 कैरेक्टर में आप इस विषय पर वर्णन अपना देंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाएंगे। और जब सम्मिलित हो जाएंगे तो सम्मिलित होने के पश्चात आप यहां पर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट कैसे आएगा चलिए दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूँ। सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर देख सकते हैं पालक के रूप में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और यहाँ पे आगे दोस्तों देख सकते हैं डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन, सिंपल आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है जिससे आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये आ गया दोस्तों, देखिए। तो इस तरह से आप एक पालक के रूप में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं और ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।